कहानी है दानचंद की। नाम तो मस्ती में रख दिया था पर था निपट कंजूस, ठीक है। तो एक बार उसकी बीवी ने बोला कि कुछ तो दे दे दानचंद, ऊपर जाने की बारी आई है, कुछ तो कर ले। उसने बोला मेरे से दिया नहीं जाता है, मेरे स्वभाव में नहीं है कि मेरे से कुछ दिया जाए, कुछ तो कर। बोले कुछ तो कर ले। आखिर में बोली एक काम कर, तू गंगा ही नहा। अब घर से गंगा 12 किलोमीटर दूर, तो चला पैदल, ऑटो करे तो पैसा लगे। वहां पहुंचा, देखा घाट पे पंडा जी है। बोला ये पंडा जी तो पैसे मांग लेंगे। तो पास में देखा मुर्दा का घाट है। बोला मुर्दे घाट पे चला जाऊं। वो मुर्दे घाट पे जब डुबकी मारने गया ना, तो भगवान को मस्ती सूझी। तो भगवान ने बोला कि आज इसके साथ मस्ती की जाए। तो भगवान पंडे के वेश में उसके सामने आके खड़े हो गए। जैसे ही बाहर निकला कि जजमान की जय हो, बोले आप कौन हो? बोले हम पंडा है। बोले आप यहाँ कहाँ से आ गए? बोले कोई ना कोई जजमान भूला भटका इधर आता है, साल भर का दे जाता है। बोले हम तो कुछ नहीं देंगे, हम तो कुछ नहीं। बोले एक महीने का दे दे। बोले मैं तो एक दिन का नहीं दूं। अरे कुछ तो दे दे। मैंने बोला जिंदगी में कुछ दिया नहीं है। बोले कुछ तो दे दे, चलो एक धेला दिया। बोले कोई बात नहीं, तूने एक धेला दिया। अब उसने मुंह से तो निकल गया कि धेला, तो बोले वो भी उधार दिया, वो भी उधार दिया। अब जो तूने दिया तो सही। वो वहां से दानचंद वापिस 12 किलोमीटर पैदल चल के घर पे आया और सोया, तो पीछे से तो आ गया, पीछे से आया, खटखटाया। पत्नी ने बोला कि कोई पंडा जी आए, बोल रहे थे कि आपने कुछ धेला दिया था। अरे बोले ये उसको मैंने उधार दिया था, ये तो आ गया। तो इसको बोल हमारी तबीयत खराब है, हमारी तो जैसे उसको बोला ना, तो बोले जजमान की तबीयत खराब है तो हम कहीं जाने वाले नहीं, हम तो यही बैठ जाते हैं, और आप खाने वाने की व्यवस्था कर दो, हम जब तक तबीयत ठीक नहीं होती कहीं नहीं जाएंगे। तो बोला वो तो जा नहीं रहा है। तो बोलो कि दानचंद गुजर गए। क्या बोला? बोला दानचंद गुजर गए। तो बोला कि दानचंद गुजर गए। तो जाके जैसे ही बोला, वो पंडा जी वहां से बोला कि तुम अकेली औरत कहां कहने जाओगी, मैं गांव में कह आता हूं कि दानचंद गुजर गए। अरे वो बोली रुको रुको, इतने में तो वो गांव में चला गया, और गांव में जाके सबको इकट्ठा करके ले आया कि दानचंद जी गुजर गए। अब ये सांस रोक के खड़ा है, लोग बांध रहे हैं, ये बीवी बोलती है मरा नहीं है, लोग बोलते ये तो आपका मुंह है। अरे वो बोलती है ये मरा नहीं है। बोले सब ऐसा ही बोलते हैं। अब उसको बांधने जा रहा है, भगवान भी नाटक देख रहे हैं, और वो जैसे चिता पे लिखा है भगवान से हरा नहीं गया। भगवान ने बोला पूरी दुनिया को मैं हराया, इसने मेरे को हरा दिया। और भगवान से हरा नहीं गया, भगवान उसके कान में बोले कि आया हूं वैकुंठ से, मुझसे नाता जोड़। यार तेरे लिए मैं उधर से आया हूँ, मुझसे नाता जोड़। देखा भगवान आया, आंख खोलिया एक। बोले तो पंडा जी? बोले तो आप तो पंडा जी हो। अरे कुछ मांग ले। बोले मुझे कुछ नहीं मांगना, मेरा देला छोड़ दे तू, मेरा देला छोड़ दे। वो जैसे ही देला छोड़ा ना, तो भगवान तो कुछ से, तो इसलिए बोलते हैं बॉस कि दुनिया में पैसे के तीन प्रयोग है, दान भोग और नाश। और दान और भोग आपने नहीं किया ना, तो नाश तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो अगर मैं आज आपको है ना, मैं आज आपको कामयाब होने का और कामयाब रहने का सूत्र दे रहा हूं, कामयाब होने का और कामयाब रहने का। जिंदगी में बॉस भगवान के साथ आपका जितना मन हो 5% 10% पार्टनरशिप कर लो भगवान के साथ। और आप कल्पना करो कि जिसका पार्टनर अगर भगवान होगा उसकी तरक्की क्या होगी। तो आप अंदाजा जिंदगी में है ना बॉस, मैं आपको आज सूत्र देके जा रहा हूं, आप अगर पार्टनरशिप करनी है ना, तो मेक पार्टनरशिप विद द गॉड। जिंदगी पर आप मेरा ये सूत्र याद रखोगे, जिसका परमात्मा पार्टनर है ना उसकी। तो इसलिए बोलो महादेव की जय।